झरोटिया दिल्ली से। मैं दिल्ली में सदर बाजार एक घने इलाके में पैदा हुआ और फिर करोल बाग में मेरा बचपन गुजरा, काला पहाड़। और वहीं से मैं जो स्कूली शिक्षा ली, वहाँ रास्ते के अंदर एक साइनबोर्ड पेंटर था जिसमें मैं घंटों घंटों खड़ा रहता था। लेकिन जब आठवीं क्लास में पहुंचा तो एक लड़के ने महात्मा गांधी साइन बोर्ड उसको ब्लैक बोर्ड के ऊपर बनाया, बस वो समझ लीजिए मैं उस दिन मेरी डेथ हो गई। और मैं घर आया, पढ़ना लिखना बंद कर दिया, बस आर्ट सीखनी है ये मेरे धुन में लग गया। बस मैं पढ़ता तो नाम मात्र के लिए ही था, लेकिन मेरा सारा रुझान जो है कला में चला गया। और तब से लेकर अब तक बहुत सारे जंगल आए, भीड़ आई, पहाड़ आए, सबको लांघते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। इस बीच में मैंने 32 इयर्स कॉलेज ऑफ आर्ट में पढ़ाया और वहाँ हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट ऑफ सीनियर एमएफए डिपार्टमेंट में रहा। लेकिन सब चीज़ों के बीच में धुन एक ही है कि भाई पेंटिंग करनी है, उससे आगे क्या कर सकते हैं, उससे आगे क्या कर सकते हैं। बहुत सारे पड़ाव बीच में आए, जैसे पहली पेंटिंग जैसे कहते हैं बिकी 10 रुपये में बिकी, उससे इतनी खुशी हुई। या पहली बार हिंदुस्तान साप्ताहिक में एक लाइन छपी प्रेस की, वो जो खुशी, उस खुशी को लेते हुए अब तो कटिंग, अखबारों की कटिंग या आर्टिकल्स, किताबें, सब कुछ हुआ। लेकिन अभी भी मतलब वो बस एक शुरुआत और अभी कहाँ ख़त्म होगी ये पता नहीं है, बस जर्नी चलती जा रही है। आपको सर यहाँ आने पे कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लगा, क्या आपने? वैसे तो मैं यहाँ पर 50 बार आ चुका हूँ, आर्ट कॉलेज से मेरा संबंध रहा है, बच्चों से संबंध रहा है, यूनिवर्सिटी से संबंध रहा है, यहाँ इतने आर्ट कैंप मैंने अटेंड किए हैं। लेकिन इस बार तो कुछ अद्भुत ही है कि जो इन्होंने एग्जीबिशन की है और माहौल पैदा किया है, सब लोगों ने ऐसी मेहनत की है जिसमें छोटे से छोटे आदमी का भी, जैसे वो पुल जब रामचंद्र जी का पुल बना था तो हनुमान से लेकर गैलरी तक का जो सहयोग था, उसी तरह से हर आदमी ने सहयोग करके इसको बहुत ही अद्भुत बना दिया है। ये हमारी उम्मीद से बहुत कहीं आगे निकला, जहाँ इतने सारे लोग सीरियसली आर्ट में इन्वॉल्व हुए और इस तरह का कार्यक्रम हुआ।